हेलो पीपल होप यू आर डूइंग वेल आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 16 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में सेक्शन 16 को हम लोग सेक्शन 10 से कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं सेक्शन 11 और सेक्शन 14 भी हमने इसी तरीके से कवर किया है सेक्शन 10 में जो एक्सेप्शन दिया है उसमें ये कहा गया है कि कोर्ट इन तीनों सेक्शंस के फॉलोइंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डिनाई कर सकता है तो सेक्शन uh, इलेवन हमने कवर कर लिया सेक्शन सब सेक्शन टू सेक्शन फोर्टीन भी हमने कवर कर लिया अब सेक्शन सिक्सटीन में कुछ बातें बताई हैं जहां पर कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिनाई कर सकता है सेक्शन सिक्सटीन टॉक्स अबाउट पर्सनल बार्स टू रिलीफ अगर कोई पर्सन है जिसने कोई सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ओप्टेन कर ली है तो कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाएगा जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी शादी में कोई केटर्स का काम है ठीक है अब जो डिफेंडेंट है उसने क्या किया उसने प्लेंटिव से जो है कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं भाई तुम्हारी शादी में केटर्स का काम करूँगा लेकिन उसने लास्ट मोमेंट पर मना कर दिया अब क्या हुआ जो जो प्लेनटिव था उसने किसी दूसरे केटर्स को अपॉइंट कर लिया तो यहाँ पर जब प्लेंटिफ ने दूसरे केटर को अपॉइंट किया उसने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस करा ली किसी और से तो अब यहाँ पर कोर्ट जो है वो प्लेंटिफ को मना करेगा कि आपने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ओप्टेन कर ली है किसी दूसरे बंदे से इसलिए हम डिफेंडेंट से डिफेंडेंट को फोर्स नहीं करेंगे कि, आ, कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इस कॉन्ट्रैक्ट का करें ठीक है फिर उसके बाद दूसरी दूसरा क्या कंडीशन है अगर पर्सन इनकेपेबल है और उसने खुद ही आ, टर्म्स जो है कॉन्ट्रैक्ट के वो वायलेट किए हैं या फिर किसी तरीके कोई फ्रॉड कमिट किया है यहाँ पर प्लेन की बात आ रही है ठीक है यहाँ पर प्लेनटिव की बात कर रहे हैं कि वो इनकेपेबल है या उसने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को वायलेट किया है या फिर किसी तरीके का को कोई फ्रॉड कमिट किया है तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इफ़ He fails to prove ready and willing to perform the contract. देखो अगर प्लेंटिव ख़ुद ही ये चीज़ प्रूव नहीं कर पाता है या ये चीज़ प्रूव नहीं कर सकता कि वो रेडी था इस, इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए या फिर उसकी अंदर से इच्छा थी इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए प्लेंटिव को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए यह चीज़ प्रूव करना बहुत ज़रूरी है दैट ही वाज रेडी एंड ही वाज विलिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिनाई कर देगी देखो ये जो तीसरी वाली कंडीशन है इसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए तभी यहाँ पर एंड लगा है कि जो प्लेंटिव है वो रेडी भी होना चाहिए और विलिंग भी होना चाहिए टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट वो तैयार भी होना चाहिए और उसके अंदर से इच्छा भी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ठीक है तो तीन कंडीशन हमने क्या देखी सेक्शन सिक्सटीन में इन तीन कंडीशंस के चलते इन अगर ये इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर हुई है तो कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिनाई कर सकता है प्लेंटिव को पहली कंडीशन क्या है कि अगर उसने सब्सिट्यूट परफॉर्मेंस ओप्टेन कर लिया है किसी और से तो दूसरी कंडीशन अगर जो प्लेंटिव है वो खुद इनकेपेबल है उसने कुछ टर्म्स वायलेट किए हैं कॉन्ट्रैक्ट के या फिर किसी तरीके का कोई फ्रॉड कमिट किया है तीसरी कंडीशन प्लेंटिव ये चीज़ प्रूव ही नहीं कर पाया कि वो तैयार था और वो अंदर से इच्छुक था परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट तो ये तीन चीज़ें हैं जो आप लोग को सेक्शन सिक्सटीन में याद रखनी है आई होप आप लोग को ये सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अगर आप लोग इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा थैंक यू सो मच